रीवा जिले के चौरहटा पुलिस ने बुजुर्ग के अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के आरोपी कोई नहीं बल्कि उसके दोनों बेटे निकले, जिन्होंने पहले डंडे से जमकर मारपीट की और उसके बाद गला दबाकर हत्या को अंजाम दिया था। वहीं मृतक की पत्नी ने भी अपने बेटे का साथ दिया और हत्याकांड के सभी सबूत मिटा दिए थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कहा कि पिता आए दिन शराब का नशा कर झगड़ा करते थे। 15 नवंबर की रात भी शराब पीकर आए और विवाद करने लगे, जिसके चलते उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया और अपना गुनाह छुपाने के लिए शव घर के बाहर फेंक दिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया। ये दिनांक 16/11 की बात है, तब थाने में सूचना प्राप्त हुई साकेत बस्ती ग्राम खट्टा थाना चौरहटा में कि एक व्यक्ति 50 वर्ष का जिसकी मृत्यु हो गई है और मृत हालत में पड़ा हुआ है। सूचना पर से तत्काल थाना स्टाफ पहुंचा और वहां पर तस्दीक की मर कायम किया। तत्समय घर वालों द्वारा जानकारी दी गई और पुलिस को गुमराह किया गया कि संबंधित जो मृतक है वो रात्रि में चोट कहीं बाहर से लगा के आया था और घर में आके लेट गया था, सुबह उसकी मृत्यु हो गई। उक्त पर से अन्य लोगों से पूछताछ की और अन्य लोगों द्वारा भी, आसपास के लोगों द्वारा भी उक्त घटना के संबंध में कोई जानकारी देना नहीं बताया गया। तत्पश्चात इसमें आगामी विवेचना की गई, जाँच की गई, PM कराया गया और जो भी साक्ष्य सामने आए उसके आधार पर फिर इसमें मर्ग पर से अपराध पंजीबद्ध हुआ है। और इसमें जो चीज़ें विवेचना के बाद सामने आई हैं उसमें सामने आया है कि संबंधित की मृत्यु गला दबाकर की गई है और उस पर प्रहार किया गया था जिस पर से उसकी मृत्यु हुई है। तत्पश्चात उक्त साक्ष्यों के आधार पर जब घर वालों से सख्ती से पूछताछ की गई तो मृतक के दो लड़कों ने और उसकी माँ ने जुर्म करना कबूल किया। हत्या का मेन कारण घरेलू विवाद था। मृतक शराब का भी आदि था जिस वजह से वो शराब पी के रात्रि में 15 तारीख को आया हुआ था घर पर और उसी पर से लेकर उसका लड़के से विवाद हुआ और लड़के को अपशब्द कहे तो दोनों में जुमा झटकी हो गई और फिर उसके लड़के ने जो उसका मझला लड़का और छोटा लड़का था दोनों ने ताव में आकर गुस्से में आकर उस पर प्रहार किया और जब लकड़ी से उसको मारा तो उसकी मृत्यु न होने पर उसकी गला दबाकर हत्या की गई। ये घटना वही है कि लकड़ी के द्वारा जो वहाँ रात्रि में ये लोग खाना खाने के लिए बैठे थे उसके बाद फिर जब मृतक द्वारा अपने लड़कों को कुछ अपशब्द कहे गए तो लड़के को उस पर काफी क्रोध आया और दोनों में झूमा झटकी हुई। बीच बचाव करने दूसरा लड़का भी आया, उससे भी झूमा झटकी हुई। फिर दोनों लड़कों ने मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी और इसमें उनकी माँ के द्वारा भी इस चीज में साथ दिया गया और उसके बाद साक्ष्य भी छुपाए गए और पुलिस को गुमराह भी किया गया। और जब आगामी विवेचना में और साक्ष्य के आधार पर चीजें सामने आई तो उस पर से तीनों पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और वर्तमान में तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।